ओम शांति। योग एक अग्नि है जिसमें हमारे सभी पुराने पाप विकर्म भस्म हो जाते हैं, हमारे पुराने संस्कार पुरानी स्मृतियां मर्ज हो जाते हैं। तो जितना हम तपस्या करेंगे, जितना हम मेडिटेशन करेंगे, हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। हम कितना भी ज्ञान पढ़ लें, कितनी भी सेवा कर लें, परंतु तपस्या के बिना हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। हमें सदा खुशी का और संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही हमारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव बनते जाएंगे, हमारी स्थिति लाइट रहेगी, हमें परमात्मा की शक्ति माइट मिलती रहेगी और हमारे जीवन में स्वतः राइट होता रहेगा। दादी प्रकाशमणि जी अपने बुक में लिखते हैं, पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यही अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म कर देगा। तो आज हम एक विशेष मेडिटेशन करेंगे। यह मेडिटेशन है तपस्या की अग्नि। बाबा कहते हैं, जैसे मैं सूरज समान चमकता हूँ उस जहान में, वैसे तुम चमको इस जहां में। तो यह मेडिटेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन के सभी संकल्पों को समेट कर एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच में। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे, मैं सूर्य समान एक तेजस्वी आत्मा चमक रही हूँ। सूरज समान प्रकाशवान मैं आत्मा चमक रही हूँ। सभी बातें सभी संकल्प भस्म हो चुके हैं और कोई संकल्प नहीं। मैं सूरज समान चमक रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। भी अनुभव करेंगे जैसे मुझ आत्मा से एक तार निकलकर ऊपर की ओर परमात्मा से जुड़ी है। परमधाम में परमात्मा शिव बाबा सूरज समान चमक रहे हैं। उन पे अपनी बुद्धि एकाग्र कर दे।
जितना हम परमात्मा शिव बाबा पे अपने बुद्धि को एकाग्र करेंगे, उतना ही हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। हमारे सभी कमी कमजोरियाँ, पुराने संस्कार, विकर्म भस्म हो जाएंगे। अनुभव करेंगे जैसे परमात्मा शिव बाबा सूर्य समान धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, जैसे एक सूरज नीचे उतर रहा है। धीरे धीरे आ गए हमारे सिर के ऊपर, हमारी छत्र छाया बन चुके हैं। जैसे दो सूरज चमक रहे हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य और हमारे सिर के ऊपर परमपिता परमात्मा शिव बाबा। यही कंबाइंड स्वरूप है, यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इसी स्वरूप में हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसी स्थिति में एकाग्र रहें। अनुभव करेंगे मैं आत्मा बेदाग बाप समान सूर्य समान चमक रही हूं, तेजस्वी प्रकाशवान, जैसे हमारा प्रकाश विश्व के चारों ओर फैल चुका है। यही तपस्या की अग्नि है। इसी स्थिति में एकाग्र रहें।
बाबा कहते हैं तुम सिर्फ अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहो, बाकी सब स्वतः होगा। हमारा मुख्य कार्य है तपस्या में स्थित होकर परमात्मा ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर सारे विश्व को देना, यही मुख्य सेवा है। बाकी सभी सेवाएं तो निमित्त मात्र है। इसी स्थिति में हम एकाग्र रहेंगे। शांति।